आज हम एक भैंस को चेक करेंगे जो कि गर्म हुई है, परंतु हमने इसे 3 महीना पहले कृत्रिम गर्भधान किया था। अच्छा, आपका भैंस कब से बोल रही है? कल से। इसको कितने दिन पहले सीमेन दवा थे? 3 माह पहले। हाँ। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि एक भैंस को चेक करने आए हैं जो कि 3 महीना पहले इसको सीमेन पड़ा था और कल से यह भैंस बोलना चालू की है। लेकिन कृत्रिम गर्भधान करने से पहले अगर आप सीमेन दिए हुए हों तो जरूर उसे जांच कर ले, इसलिए हम इसे जांच करेंगे। भैंस को चेक करने से पहले कभी भी किसी पैर में बांध लेना चाहिए या अच्छी तरह बांधना चाहिए, क्योंकि भैंस ज्यादा उछलती कूदती है, इससे पशुपालक का या कृत्रिम गर्भधानकर्ता का भी नुकसान हो सकता है। हमने पाया अभी नए कृत्रिम गर्भधानकर्ता जो हैं और कृत्रिम गर्भधान आकर कर देते हैं, डायरेक्ट पशु की जांच नहीं करते हैं, जिस कारण बस बच्चे फेंक रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान देते हुए हमने यह वीडियो बनाया है ताकि इसे देखकर वो अपनी सुधार कर सके। पीढ़ी जांच करने से पहले अच्छी तरह गोबर साफ कर लेते हैं। गोबर साफ करने के बाद सावधानी पूर्वक हम सर्विस के सहारे हॉर्न को टटोल कर गाभिन जांच करते हैं। 3 महीने की गाभिन पशु की एक हॉर्न गेंद की तरह फूली होती है तथा उससे अधिक दिनों में बच्चों का भी अनुभव किया जा सकता है। इस तरह हम पीढ़ी जांच कर लेते हैं, लेकिन आज हम इस भैंस की पीढ़ी जांच कर रहे हैं। हमें यह भैंस गाभिन नहीं मिली और यह भैंस गर्म है, इसलिए अभी हम कृत्रिम गर्भधान करने के लिए रणवीर जी को बोलेंगे, जो कि रणवीर जी कृत्रिम गर्भधान तैयार कीजिएगा। इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।